हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाइंग बडीज़। दोस्तों, आपने एरोप्लेन में कभी ना कभी सफ़र किया होगा या फिर इन फ्यूचर करेंगे। आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर होगी और आज का हमारा टॉपिक है कि हवाई जहाज़ की टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक कौन कौन सी स्टेजेस या फिर कंडीशंस होती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, एरोप्लेन में सफ़र करते हुए आपने देखा होगा कि जब चलने के लिए एरोप्लेन को क्लियरेंस मिल जाता है उसके बाद एरोप्लेन धीरे धीरे पीछे की तरफ चलता है, जो एरोप्लेन की सबसे पहली कंडीशन होती है और इसी कंडीशन को बोला जाता है पुशबैक। एक पुशबैक कार्ट जो देखने में ट्रक की तरह लगती है उसकी हेल्प से प्लेन को पुशबैक किया जाता है और इसी दौरान पायलट्स प्लेन के दोनों इंजन्स को स्टार्ट कर देते हैं और इंजन्स के स्टार्ट होने की नॉइस इतनी ज़्यादा होती है कि जो ग्राउंड पे क्रूज होते हैं उन्हें हेडफोन लगाना पड़ता है। प्लेन को पुशबैक किया जाता है क्योंकि इसमें हमारी कार की तरह कोई भी रिवर्स गियर नहीं होता और जब धीरे धीरे प्लेन रनवे की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो इसको बोला जाता है टैक्सी, जो कि प्लेन की दूसरी कंडीशन होती है। और जब ये टैक्सी करता है तो इसकी स्पीड होती है 15 से 25 नॉट्स। टैक्सी करते हुए प्लेन धीरे धीरे रनवे पर आता है जहाँ इसकी तीसरी कंडीशन आती है, उसको बोला जाता है टेक ऑफ। अब प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है। प्लेन की टेक ऑफ स्पीड को थ्री कंडीशंस में डिवाइड किया गया है। नंबर वन है V1। V1 स्पीड होती है 120 नॉट्स, जहाँ पायलट टेक ऑफ को रिजेक्ट कर सकता है। और दूसरी कंडीशन होती है VR। VR को रोटेशनल स्पीड भी बोला जाता है, जो कि होती है 122 से 125 नॉट्स। प्लेन की रोटेशनल स्पीड VR में प्लेन की नोब तो ऊपर उठ जाएगी लेकिन वो पूरा टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से तीसरी कंडीशन आती है V2 स्पीड। V2 स्पीड में प्लेन की स्पीड होती है 130 नॉट से 135 नॉट्स। ये स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें अगर प्लेन का एक इंजन भी ख़राब हो जाए तब भी प्लेन ऊपर की तरफ जाता रहेगा। टेक ऑफ करने के बाद प्लेन कुछ टाइम तक ऊपर की तरफ जाता रहता है, जो इसकी चौथी कंडीशन होती है और इसे बोला जाता है क्लाइंब। इसमें पायलट ये ध्यान रखता है कि प्लेन को कितना रोटेट करके रखना है और कितनी स्पीड में उसको ऊपर क्लाइंब कराना है। क्लाइंब करने के बाद प्लेन 35 से 40,000 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है और यहां पर प्लेन अपनी मैक्सिमम स्पीड 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और इसी कंडीशन को क्रूज बोला जाता है। क्रूज करने के बाद प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है और यहाँ इसके लैंडिंग गियर खुल जाते हैं और इसी कंडीशन को बोला जाता है डिसेंड। और अगली कंडीशन होती है अप्रोच। अप्रोच कंडीशन पायलट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि अगर अप्रोच टाइम पर एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ तो एयर कंट्रोलर पायलट को एक और चक्कर लगाने के लिए बोलेगा, जिसको बोला जाता है गो अराउंड। और गो अराउंड एक ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है कि जब एरोप्लेन में ज़्यादा फ्यूल बचा हो, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल होने पर एरोप्लेन लैंड नहीं कर पाएगा, उसके बैलेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, इसी वजह से उसको गो अराउंड के लिए बोला जाता है। अप्रोच और गो अराउंड के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन होती है वो होती है टच डाउन या फिर लैंडिंग। ये भी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही स्पीड होती है जितनी की टेक ऑफ स्पीड होती है। लैंडिंग करने के बाद प्लेन अपनी पार्किंग की तरफ टैक्सी करने लगता है और इस टैक्सी को बोला जाता है टैक्सी इन, क्योंकि अभी एयरपोर्ट के अंदर आ रहा है तो इसको टैक्सी इन बोलेंगे। और जब ये डिपार्ट कर रहा था तो उस कंडीशन को बोला जाता है टैक्सी आउट, क्योंकि उस टाइम पे डिपार्ट करता है। टैक्सी इन करते हुए जब प्लेन अपने गेट के पास पहुंचता है तो वहाँ गेट के पास ग्राउंड क्रू खड़ा हुआ पायलट्स को रास्ता दिखाता है और उसके गेट्स की लाइन दिखाता है, जिसको मार्शलिंग बोला जाता है। और यही प्लेन की लास्ट कंडीशन होती है। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्लेन में सफ़र करोगे तो सभी कंडीशंस आपको पता होंगी।